मैं समय हूँ। समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, समय यानी कार्य। समय किसको कहा है? समय जो स्वयं में लीन हो, जो स्वयं आत्मा में लीन हो, उसे समय कहा है। समय न शास्त्र में है, न समय समय में है, न समय घूमने में है। समय न कारण में है, समय स्वयं में लीन होना स्व समय है। और जो परद्रव्यों में लीन हो वह पर समय यानी अशुद्ध समय। स्वयं समय में जो लीन होगा, स्वयं में जो लीन होगा, उसका ही जो वेदन करेगा, वही व्यक्ति ही स्व समय का उपयोग कर पाएगा। जो पर को ओर निहारेगा, पर दृष्टि की ओर जाएगा, वह तो हमेशा चिंतामणि रत्न से कौवे ही उड़ा रहा है। स्व समय में लीन होने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है? समता धारण कर सकता है। जो मान में लगा हुआ है वह व्यक्ति समता धारण नहीं कर सकता। और समता जिसने धारण कर ली वह ही सामायिक है। जिसने समता धारण नहीं की वह कितना ही सामायिक में बैठा रहा, कितना ही सामायिक में बैठा रहा, कितने भी सामायिक में बैठा रहे, उसकी सामायिक तो हो ही नहीं रही। मात्र दिखेगा सामायिक करना। जब तक सामायिक में लीन व्यक्ति योगी पर द्रव्यों का मोह छोड़ देता है, ममत्व छोड़ देता है, और ना ममता से राग रखता है, ना कुममता से राग रखता है, ना बन का राग रखता है, ना भवन का राग रखता है, वह तो स्वयं में लीन हो जाता है। जो स्वयं में लीन हो गया उसी का नाम सामायिक है। जब तक क्रोध करता रहेगा तब तक वह परद्रव्यों में लीन है। कहा है एक बार सेठ शांति प्रसाद जी थे, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन स्वभाव से तो अच्छे थे, लेकिन उनको क्रोध बहुत आता था। वह क्रोध में अपना आपा खो बैठते थे, क्योंकि उनके पास समता नाम की चीज नहीं थी। बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। एक बार वह तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं जाते हैं, तो जाते जाते एक वृक्ष मिलता है। वह थके हारे थे, इसलिए वह वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनके साथ उनका एक पुत्र भी था और पत्नी भी थी। दोनों जा रहे थे, बैठ गए तीनों प्राणी। बैठ करके किसी बात में बात विवाद हो गया। थोड़ी सी बात थी और बात विवाद हो गया। उन्होंने क्या किया, पुत्र को लिया और कुएं में, बाजू में कुआ था, डाल दिया। पत्नी थोड़ा बोली कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्रोध आता है, व्यक्ति तो आपा खो जाता है, हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नथने फूल जाते हैं, कर्ण से कान कान गर्म गर्म हवाएं निकलने लगती है, वह विवेक खो देता है उसके, वह व्यक्ति अंधा हो जाता है, वह उसे कुछ दिखता नहीं है। पत्नी ने बोला तो उसने पत्नी को भी कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसका विवेक जागा, यानी क्रोध ठंडा हुआ।